याद बहुत आते हैं गुजरे जमाने, बस तबाही है गम के साए हैं, सुनी आंखों में सिर्फ पानी है, और क्या जिंदगानी है, न जाने मौत क्या कह जाती है इंसान के कानों में कि फिर वो इंसान पलट के भी नहीं देखता। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सलीना फ्रॉम सैनी स्टाइल्स और मैं हूँ कासिम कादरी के लेजेंड से। दोस्तों, मौत हमारे सामने हमारे अपनों को ले जाती है और हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें मौत से बहुत डर लगता है, लेकिन क्या करें, इंसान मिट्टी से बनी हुई एक मूर्त है जो कभी भी टूट सकती है। मौत जिंदगी की सच्चाई है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी जो लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं उनकी याद बहुत आती है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि यादें क्या है, क्या यादें हमें जीने नहीं देती या यादें ही हमारे जीने का सहारा है। दोस्तों, आज मैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री के वो बेहतरीन कलाकारों के बारे में बात करने वाला हूँ जो आज हमारे बीच मौजूद नहीं है और उन्हें भुलाना नामुमकिन है। जब वो जिंदा थे तो उनके पीछे लोगों का हुजूम हुआ करता था, और आज कहाँ है वो लोग? उनके जितने अपने थे सब पराए थे, जितने अपने थे सब पराए थे। हम हवा को गले लगाए थे, हवा को गले लगाए थे। जितनी कसमें थीं सब थीं शर्मिंदा, जितने वादे थे सर झुकाए थे। जितने आंसू थे सब थे बेगाने, जितने मेहमान थे बिन बुलाए थे। अरे वाह। सब किताबें पढ़ी पढ़ाई थी, सारे किस्से सुने सुनाए थे। एक बंजर जमी के सीने में मैंने कुछ आसमां उगाए थे सिर्फ दो घूंट प्यास की खातिर। उम्र भर धूप में नहाए थे, हाशिए पर खड़े हुए हैं हम। हमने खुद हाशिए बनाए थे। मौसम बदल गए, जमाने बदल गए, कुछ लम्हों में दोस्त पुराने बदल गए। दिन भर जो रहे मेरी मोहब्बत की छाँव में, वो लोग धूप ढलते ही ठिकाने बदल गए। कल उनके लब्जों में चाहत थी, प्यार था, आज उन लबों के तराने बदल गए। आज मैं चला गया तेरी दुनिया छोड़कर, अब वो मैं ना रहा, वो ना रहा, सारी जिंदगी के फसाने बदल गए। मुझे मुकेश जी का वो गाना याद आ जाता है, कल तक देखा जिसको मुस्काते, चलते फिरते आते जाते, ऐसे आने जाने वाले लोग जाने चले जाते हैं कहाँ, कैसे ढूंढे कोई उनको, नहीं कोई कदमों के भी निशा। मालूम है मुझे ये मुमकिन नहीं है, मालूम है मुझे ये मुमकिन नहीं है, फिर भी एक आस लगी रहती है कि कभी तो तुम याद करोगे मुझे। लोग कहते हैं कि जब कोई अपना दूर चला जाता है तो बहुत तकलीफ होती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा तकलीफ तब होती है कि जब कोई अपना पराया होकर दूरिया बना लेता। दोस्तों, अगर आपको हमारे फेवरेट लेजेंड्स जैसे कि मोहम्मद रफ़ी साहब, दिलीप साहब, मधुबाला जी, मीना कुमारी जी, कमाल अमरोही साहब, नौशाद साहब, परवीन बाबी, फिरोज खान, अमजद खान जी के पिता जयंत खान, वाजिद अली खान, फारूक शेख, राहत इंदौरी साहब, डायरेक्टर सुल्तान अहमद रिजवी, नीमी, जगदीप, कुमकुम, इरफान खान, सरोज खान, दानिश जैन, रजाक खान, जिया खान, नरगिस जी, अजीत जी और बड़े गुलाम अली खान। अगर आप ऐसे लेजेंड्स की ग्रेव का दीदार करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के लेजेंड्स के माध्यम से कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं आप सभी लोगों को अजीत खान जी की कब्र का दीदार कराऊं। स्टाइल हो विलन जैसा, फिल्मों में सबसे ज्यादा ग्रैंड विलन ही होता है। तुम कुछ नहीं कर सकते विजय, इतनी जरा सी बात के लिए तुम मेरे पास चले आए स्मार्ट बॉय। और अगर कॉन्फिडेंस की बात करें तो बॉलीवुड के सबसे ज्यादा स्टाइलिश में,
जिन्हें सारा शहर लॉयन के नाम से जानता है। ये सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है, यानी अजीत साहब। आई एम सो सॉरी। और इस शहर में मेरी हैसियत वही है जो जंगल में शेर की। क्योंकि विलन्स के बीच में उनकी हैसियत वही है जो जंगल में शेर की होती है। 5-6 कब्रिस्तान घूमने के बाद सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे, आंसू में कलम डुबोए, चुप के रोने वाले रखना छिपा के दिल के छाले रे, ये पत्थर का देश पसले कोई न तेरा। पैसे का लालच तुम जैसे दलालों को होगा, जो मासूम खिलाड़ियों को दौलत की लालच से गुमराह करके उनकी जिंदगी और मौत को दांव पर लगाकर अपनी तिजोरियां भरते हैं। ये मार्शल आर्ट जिसे हमारी संस्कृति ने जन्म दिया था आज दूसरे मुल्कों की शान बन गया है, लेकिन अफसोस ये फन हमारे ही मुल्क में एक लावारिस बच्चे की तरह है जो अपना भविष्य तलाश कर रहा है। बाद बड़ी मुश्किल से मैं अजीत खान जी की कब्र ढूंढ पाया हूँ। ये अजीत खान जी की कब्र है, उनकी कब्र पर नेम प्लेट नहीं है और कब्र भी कम दिखती है। उनके वालिद साहब बसीर अली खान जी की कब्र पर तख्ती लगी हुई है, ये उनके अब्बा जान बसीर अली खान जी की कब्र है और ये अजीत खान जी की कब्र है। अजीत खान, उन्हें कौन भुला सकता है, उनके एक एक वर्ड्स जो आज भी लोगों की जुबा पर है। कहो तो फिर अंदर करवा दें। तो जो उनके वन लाइनर्स होते थे अजीत साहब के, इतने अच्छे होते थे। स्मार्ट बॉय, ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया इसकी मुट्ठी में है, इसे कोई टेंशन ही नहीं है। तुम कुछ नहीं कर सकते विजय, इतनी जरा सी बात के लिए तुम मेरे पास चले आए। कुछ ही देर बाद हमारा ये हेलीकॉप्टर तुम्हें हिंदुस्तान के बॉर्डर से बहुत दूर ले जाएगा। वो टिपिकल उनका एक बोलने का अंदाज होता था। अजीत साहब का असली नाम है हामिद अली खान। आज मैं अपनी आंखों को रोक नहीं पाया, रोना तो नहीं चाहता था लेकिन कब आंख भराई पता ही नहीं चला। मैंने ये पहले भी कहा है, जिंदा हो तो लगता था मेला हो जैसे, मरने के बाद तन्हा अकेला। उस वक्त कोई मुझे बुलाए तो मैं जाता नहीं था, आज मैं पुकारूं तो कोई आता नहीं है। इसलिए तो कहा है ये दुनिया एक सजावट है, इसके फरेब में न आए। इंसान तो कितना गाफिल है अंजाम से, तेरे सामने कितने पड़े हैं बेजान से। जब वो चलते थे तो जमाना चलता था, आज तू क्यों अनजान है जमाने वाले इस इंसान से। अजीत साहब, आप हमारे दिलों में हैं, ऐसा लगता है जैसे वो कह रहे हो मेरे साथ इतनी वफा करना, जब भी मेरी याद आए मेरे मगफिरत की दुआ करना। चलो दोस्तों, आज हम सभी लोग मिलकर अजीत साहब के लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए और अल्लाह उनकी कब्र नूर से भर दे। मुझे अजीत खान साहब की कही हुई वो आखिरी बात याद आती है, वो कहते थे कि मैं जिंदगी भर कमाता रहा, आज मेरे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मेरे पास शानदार घर है, मोटरे हैं, नौकर चाकर है, लेकिन जब भी मुझे ये ख्याल आता है कि जब मुझे ऊपर वाले का बुलावा आएगा तो ये सब कुछ यहीं पर रह जाएगा और मैं ये सब कुछ छोड़कर इस दुनिया से चला जाऊंगा। मुझे अजीत साहब का वो गाना याद आ जाता है, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी ना साथ होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। यहाँ से कुछ भी ना पास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, जाएगा जब यहाँ से।